स्थापन के लिए लिच्छराम जी जांगिड़, बालू सिंह जी राठौर, सावरमल जी सारण, रामनिवास जी बोरा, गोपीचंद जी जोशी, मालाराम जी सारण, विनोद कुमार जी जोशी, मनफूल राम सारण, तेजाराम जी बनुसर से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर जाजड़िया जी का स्वागत करें। अब मैं गांव उड़सर के सभी निवासियों का रामनिवास जी पंचायत समिति सदस्य रामनिवास जी माल्यार्पण कर सम्मान करें। सभी गांववासियों का आप सबने अपने प्रत्याशी का माल्यार्पण कर सम्मान किया। समदर जी ने हम सबका शब्दों के साथ स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं हजारी जी सारण, माल्यार्पण कर सम्मान करें जाजड़िया जी का। बागीरथ जी सरपंच, बागीरथ जी सरपंच माल्यार्पण कर सम्मान करें। आजारी जी सारण आगे आए और जाजड़िया जी हजारी जी का दुपट्टा पहनाकर सम्मान करें। हजारी जी सारण ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ में आ रहे हैं तन मन से अपनी टीम। बहुत बहुत धन्यवाद हजारी जी सारण का, सारण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले रूप में हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार जी कि वो संबोधित करें। और क्या हाल है राज ने आपड़ा विश्व विख्यात गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पद्म विभूषण अपना नायक लोकसभा प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी खागड़िया हमारे सागे पधारेड़ा, सभी हमारा पदाधिकारी साथी, बहुत ही खुशी की बात है। राष्ट्रीय पर्व है लोकसभा को, गुनिश्ता के चुनाव है, राजा रजवाड़ा को चुनाव गुनी, आपने वोट से राजा बने सरकार बने, आपकी मांगा के हिसाब से गाँव को शहर को विकास हो, आप जीवन स्तर बढ़े, राष्ट्र मजबूत हो गए, बिको चुनाव है। मेरे आप सब लोग से हृदय से निवेदन है के मैंने वोट कौन दिया, मेरे कोई परवाह को नहीं, सरकार बन गई कोई दिक्कत की बात को नहीं, काम करने की ये पार्टी टिकट दिए बस क्षमता बनी रहेगी, कोई दिक्कत को नहीं। बाकी वोट देता तो शायद 150 होती, कोई कारण से स्थिति अगली बन गई क्या वो चक्कर हो गयो कर गयो। अब मेरे से सागा हाँ सब एक ही मांग कर रहे, कभी भी टाइम में अगर सागा होता तो 150 होता, बाकी अब से सागा हाँ। तो अब कम से कम जो लक्ष्य चल रहे मोदी जी को आह्वान है क्या अपने देश के माने 400 को आंकड़ो एनडीए और खाली बीजेपी 370 को आंकड़ो पार करे तो तनपड़ा दो तिहाई बहुमत से अपना सारा का सारा काम जगह कर कोई कारण से 60 साल से कांग्रेस अपने देश को जो नुकसान पहुंचाए वे सारा नियम आप बदल कर 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 अरे देश की ये स्वर्णम स्थिति लियावा करा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आपके मत को सदुपयोग करोगा। आपने पतो है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, शासन करने को अधिकार 84 लाख योनियों के मायने खाली मनुष्य ने है। आज लोकसभा चुनाव को सरदार सर को श्री गणेश उड़ सर से हो रही है, वही भगवान के चरणा से शुरू हो रही है। और इतनी बढ़िया मिलोग तो जब भी मारे घर को कोई दुकान को पायो बरा मुहूर्त करावा तो जाट से करावा। तो हजारी लाल जी सारे ने ज्वाइन करिए, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो माने तो लागे के बहुत ही शुभ माने सुगन मिले। अभी सरदार सर समय चालिया जल से मैं तो सुगनाने माने ही हूँ, तो मैं तो देख रही हूँ गाय गोदा से जीवन आ रहा कर रहे हैं, सब बढ़िया लाग रहा कर रहे हैं। चारों तरफ पास काल थोड़ी सी मैंने चिंता बठीने की जोरी नोर बाजरा की, काल एक जना बोले भाई जी के बात कर रहे हो नोर बाजरा थारो कितो शानदार है सीधे कल्पना कौन कर सको। तो नोर बाजरा करी तो जोर करे शिखर सी ना फिर बाकी के रह गया मैं आपने बताऊं और सब तो ठीक लाग रही है।
तो मालोगा को भी सम्मान की बात है, कोई भी कारण से कोई रहेगी ये बात, तो अब कम से कम मालोगा को भी सम्मान बढ़ा होगा। अरे ये आख लो युवा अपने 20 मायो के एक बार नहीं तीन तीन चार चार बार जो को आदमी गोल्ड मेडल लियानो और जो को आपने सर्वोच्च नेता है विश्वविख्यात बाका खास अजीज होना करना अपने लिए बड़ी गर्व की बात है। और आप पर पूर्व में देखो देवी पहले दिन से देखे दिन से यात्रा शुरू करिए, देवी का आशीर्वाद है, 33 करोड़ देवी देवताओं को बाबे को सब की कृपा है, जनता की कृपा, तो निश्चित रूप से देखो कार्यक्रम आह्वान मोदी जी को चल रहे है ये मैं आप लोग सहयोग करोगा कोई आपसे निवेदन है। काफी गाँव का मैंने जानू है झाझड़िया जी उधार गया कर गया तो अब सब लोग और नेता लोग आपने बताई दी बात, तो आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अनुग्रहित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद वाले और इस देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। घने घने राम राम। यो गाम ओडसर गाम और मैं गावा को तो मेरो गांव। आदरणीय चोरू लोकसभा क्षेत्र के जो पूरे देश के चुनाव हो रहे हैं और चोरू लोकसभा के भी हो रहे हैं उसके तहत हमारी पूरी टीम आपके बीच में आई है। राजकुमार जी रिणवा साहब, इंचा जी सान साहब, सत्यनारायण जी, मधुसूदन जी, हमारी पूरी टीम और ईश्वर जी हमेशा जोश में रहे तो अणु बड़ी प्रेरणा मिले हमें। राजकरण जी, शराब साहब, सगड़ा ने कोई नाम भूल गए माफी चाहूंगा। हाँ सारण तो जोश पूरा है। देखिए यह चुनाव है और ये चुनाव है देश का। एक तो हमें चुनाव में अपन छोटी मोटी जो भी बात है उन अपन बहुत दूर करनी पड़ेगी, देश को भविष्य को चुनाव है। अब एक तरफ तो मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं। मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल है फिर देखे हो गयो कि तो शानदार रहे है, कितनी जोर की योजना है तारे बीच में, जितनी भी योजना है दिल्ली में चल रहा है और पूरी पूरी अपने गांव में कंप्लीट हो जाएगा। या कोई कर सके तो नरेंद्र मोदी जी कर सके। बात मेरी रही तो तारे बीच को हूं, गावा को हूं, दाणी को हूं, तारे बीच को हूं। और उन्होंने भी बड़ी बात मैं बताऊं थाने कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों आया, मैं मोदी जी से प्रभावित होके आया। तो मैं चाहूं तो उसके मैं कांग्रेस में भी चले जाता हूं, लेकिन क्यों, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी जी को लाना है। बहुत दिन है क्यों, क्योंकि लोकतंत्र को उन लोगों ने बचाया और लोकतंत्र को कोई हिंदुस्तान में खत्म कर रहा था तो वो कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही थी। थे 2014 पहले देखे करता कितना बड़ा घोटाला हुए करता। एक तो वो गेम वालों हो कॉफी की जो मशीन ही ने, मैं कॉमनवेल्थ गेम में जाइड उठा कॉफी की मशीन बनाने वाले ही ने उनको किरायो जब खरीद के लिया उनताने तो कम हो, मतलब देखो थे भ्रष्टाचार एक चरम पर पहुंच गयो। खुद कहना गया देश में भ्रष्टाचार खत्म करने वाला, लेकिन एक ऐसे जननायक आए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार को एक लाइन में खत्म कर दिया। आज के मैं दिल्ली में जाऊं मैं कदे कदे जिद टलाना बताई गए करें बोले भाई जी पहले तो के गुरु गए जब मंत्री आए करता ना तो ऊ कसा के 30 लोग आए करता और बहुत होटला में रखे करता
वो क्या दलाल होते थे, लेकिन बोलो अब जो मंत्री आवे हैं, एक मंत्री और एक मंत्री के सागा आवे, यानी दिल्ली में दलालों की एंट्री बंद कर दी तो वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। अब देखिए भाई, कांग्रेस प्रत्याशी के दादाजी एमएलए रहे, बाप एमपी रहे चार बार, माँ एमएलए रही और पोस्टों पे रही, खुद दो बार एमपी रहे, तो यह चीज के लोकतंत्र में कोई चीज अपने देसी भाषा में कह रहे दादा लाई को नहीं हुआ। टिकट तो 13-14 की राजस्थान में और भी कट गई, कोई लड़ेगा चुनाव, एक मिनट में 33 साल इन पार्टी ने मौको दियो और जिस दिन मौका नहीं दिया उस दिन पार्टी के दूर हो गए। जो पार्टी का नहीं उसका वो देश का होगा क्या? कभी नहीं होगा, और वो आपका भी नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कभी नहीं होगा वो आपका। आज थे देखो कि तो जहर घोलने की कोशिश हो रही है, देखे अंधे देखे ना भाई, जहर घोल की के करोगा थे, क्यों कर पाड़ो हुई, क्यों लोगों को दूर कर रहे हो आप? मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं मैं 36 कौम के लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा है। अरे भाई से भाई को मत लड़वाने का काम करो आप, प्लीज मत, ये कह रहा हूं। क्यों लड़वा रहे हो आप भाई? देखो बात ये है, वोट है 19 तारीख में पड़ जाएगा, इल्लो पड़ोसी कल बैठे रह जा, इसो काम करियो मत, या कौन था हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप काम करांगा, अच्छो काम करांगा, यो मेरो वादो है। और एक और कहना चाहूं धन थे, याद करो जो कांग्रेस सरकार को पिछले 5 साल को जो राजस्थान को कार्यकाल, ईमानदारी बताओ किसो कर रहे हो, पेपर लीक कांग्रेस राज में, अरे राजस्थान में सरक कलम से करवा दिए कन्हैया कुमार के, वो कांग्रेस सरकार ही थी। आप देखो इन पेपर माफियाओं पे आज शिकंजा कस रहा है। और भजनलाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, सीएम साहब ने बोलो पेपर माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे जेल नहीं बनानी पड़े लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं हम। आज 18-20 साल का आप लोग टॉपर हुआ है, क्योंकि एक आशा उम्मीद है कि मैं तैयारी करके नौकरी लागूंगा, लेकिन इन लोगों ने उन टावराओं गड़ो घोट दिया, जनता भी माफ कौन कर, मैं तो कोई भगवान भी माफ कौन करे इन लोगों, मैं तो ज्यादा कौन को तारे बीच में आए हूं, तारो बनकी रूंगो। और 36 बिरादरी में कोई फूट नहीं डालूंगा, यो मेरो वादो है, मैं खिलाड़ी हूं, देश के लिए खेले हूं, तारे बीच में रहूंगा, तारो मान सम्मान करूंगा। और भाई देखो लंबे टाइम जो राजनीतिक में कोई लोग रहे ने तो वो पद को दुरुपयोग करने लग जाए, क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार समझते हैं कि ये एमपी एमएलए हमारा अधिकार है, खुद को राज बनानी फिर तो। पहली बार के मोदी जी सो काम करे हैं इस चुरू लोकसभा के लिए, एक किसान के बेटे को लेकर के आए कि किसान का दर्द समझेगा ये, और किसान का दर्द समझेगा तो दिल्ली में वो बात रखेगा, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे वो नहरी पानी हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि किसान का दर्द एक किसान का बेटा ही समझ सकता है, बाकी एमपी का बेटा कभी नहीं समझेगा, ये मेरा वादा है। मैं तो थाने ज्यादा कुछ कहना चाहूं साहब, इतना कहना चाहूं युवाओं के लिए काम करूंगा, अपना छोटा टाबर उनके लिए काम करूंगा, और एक अपील और करूंगा धन में, क्या मेरी बात ठीक लगी को नहीं बताओ, ये तो हाथ खड़ा करके बताओ, मैंने मेरे सगा हो गए। बस 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 मैं यही चाहू हूं, मेरी तो यह टीम है, मेरी तो यह ताकत है, मेरे बीच का वो थे, और मैं तो साहब पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल दी इतनी, 10 साल का टावर को एक हाथ कट जाए के बच्चा होगा, मैं तो को माँ बाप में कौन बच्चा की उन टाइम में साहब संघर्ष करे सरकारी स्कूल में पिटेड हो, अरे मैं टावरा उठाला हूं दर्द समझू, वो सरकारी स्कूल में क्या दिक्कत थी वो कदी कौन समझे, वो तो बहुत हाई स्कूल में पिटेड है,
फर्क देखो थे मेरे तो सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा, मैं तो जानू डॉक्टर कितना एक घंटा देरी आवे दो घंटा देरी आवे, लेकिन वो नहीं समझेंगे क्योंकि उनका ट्रीटमेंट तो घर पर डॉक्टर बुला के करे साहब है, माने तो कंपाउंडर ही भावबंदी कर तो क्यों क्यों वो दर्द है हमारे अंदर, वो दर्द है ना, वो दर्द ने मैं लेके चल रहे हूं, मैं जिंदगी में दुख पा लियो लेकिन अंतावरा दुख खोल पाउ दी वादो है मेरा। और मैं एक अपील करूं तानू 5 तारीख ने माननीय प्रधानमंत्री जी चूरू पधार रहे तारे बीच में, और आप ज्यादा ज्यादा जनसभा को वो संबोधित करेगा चूरू में, टाइम 1 बजे को है ना अपनो, हाँ टाइम समय 1 बजे रहेगा, और थे ज्यादा ज्यादा संख्या में जाओ, क्योंकि कई लोग कई गिरे गिरे उठे मन खिलाड़ी मिले बोले यार तारसा का प्रधानमंत्री जी न्यू बैठे बात कर जाए जान थन गोदी ले रखे, अब जो वो टिकट वाली घोषणा हुई जिन खिलाड़िया फोन आए बोल मान तो पहली बेरो थन गोद ले रखे, देखो ए लिए मन बेचे होना कैर किसान को टाबर है संघर्ष कर जिंदगी में भूल गया उनको नीचलान भाई लोग भूल गया थाने ए लिए वे लोग थाने लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कोई काम है के, अरे भैया सब साथ रो मैं दिया को हो ज्यादा न बोल के इतना कहना चाहो हो 19 तारीख में ज्यादा ज्यादा संख्या पर थे बुथ पर पहुंचो और कमल का निशान के ऊपर बटन दबाओ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।